की जनता पानी को लेकर काफ़ी परेशान है, और अभी कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि पानी छोड़ने के लिए हिमाचल को बुलाए। तो इस समस्या का आप जिम्मेदार किसे मांग रहे हैं, क्योंकि इस पे राजनीति भी खूब हो रही है। उधर आतिशी ने बोला था कि जो पानी की जो बर्बादी करेगा उसका चलान भी किया जाएगा, तो कौन जिम्मेदार है? अरे पानी की बर्बादी का चलान किया जाएगा, कोई कार धोएगा, कोई स्कूटर धोएगा। वर्षों से लोग अपनी गाड़ियाँ धोते हैं और उससे कितना पानी चला जाता है, दूसरों को बूढ़े बनाने का काम करते हैं। आतिशी को मैं चैलेंज करता हूँ कि आ जाए वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर और देखिए वहाँ पर 94% गाद भरी पड़ी है, पैसे आप उनको चाहिए, लूट मचा रखी है। हरियाणा पानी छोड़ता है और पानी बह जाता है, स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। हरियाणा की जिम्मेदारी है पानी छोड़ने की, पानी को स्टोर करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, वो कुछ नहीं कर रही। और आज हिमाचल को डायरेक्शन दी गई है, दिल्ली को तो, हरियाणा को तो ही कहा गया आप फलों के अंदर पानी भेजो, फलों में पानी आएगा, आपके अगर स्टोर करने की जगह नहीं होगी तो खराब हो जाएगा पानी। कुछ नहीं, राजनीति कर रहे हैं, इनका सबका सुपड़ा था होने वाला। दिल्ली में टैंकर माफियाओं से परेशान हो चुकी है दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। उसकी परेशानी का कारण अरविंद केजरीवाल, 2013 में चुनाव जीतने के बाद पहला स्टेटमेंट था टैंकर माफिया को समाप्त करूंगा। आज टैंकर माफिया, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के MLA, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टैंकर माफियाओं के सरगना है। जिसको चाहते हैं वहाँ पानी भेजते हैं, दलाली करते हैं, पैसों की दलाली करते हैं। सर, इस समस्या का अगर समाधान बीजेपी इसका रोड मैप बनाती तो समाधान क्या होगा? समाधान जब 2025 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसा रोड प्लान बनाएगी जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने 10 करोड़ घरों के अंदर नल से जल देने का काम किया है, उस पैटर्न पर हम काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया, जो कि नव निर्वाचित सांसद है, और इन्होंने बताया कि दिल्ली में जो समस्याएं हैं पानी को लेकर के, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर काफ़ी सवाल खड़े किए, और उनकी जो मंत्री हैं आतिशी, उनको लेकर भी उन्होंने चैलेंज किया है कि वो इस विषय पर उनसे डिबेट करें, इसके लिए वो चैलेंज दे रहे हैं। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं अनुज यादव, इंसाफ की बात, दिल्ली।